खबर जबलपुर से है, जहां ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर विधायक संजय यादव का बयान सामने आया है। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर विधायक संजय यादव ने बयान दिया। संजय यादव ने ईओडब्ल्यू की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक गुना रुपए हैं, उससे कहीं ज्यादा पकड़े गए होंगे। साथ ही विधायक संजय यादव ने यह भी कहा कि कार्रवाई का लाइव प्रसारण किया जाना चाहिए। मेरी तरफ से पूछ लेना उनसे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की के प्रदेश अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि बिशप के पास जो रकम पकड़ी गई है सिर्फ इतनी है कि वो तीन हिस्से जो आप बता नहीं रहे वो भी है, तीन हिस्से और है, चार हिस्से मेरे को नहीं मालूम है। इतनी बड़ी रकम मैंने कभी देखी ना सुनी, यही अखबारों में पढ़ लेता हूँ, आप बता देते हो कि इतनी रकम, चार गुना ज़्यादा होगी। अब चार गुना इसलिए नहीं बता सकते कि उस समय आप लोग को परमिशन नहीं रहती कि जब उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, जब छापा डालती है ईओडब्ल्यू जो भी संस्था छापा डालती है, फोटोग्राफी होनी चाहिए, इस बात की छूट दे ताकि पारदर्शिता रहे, क्योंकि जितनी रकम पकड़ी गई उतनी दिखा रहा है कि नहीं। मैं मेरे तरफ से। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर विधायक संजय यादव ने सवाल उठाए हैं, उनका कहना है कि कार्रवाई का लाइव प्रसारण किया जाना चाहिए। ऋषु जी, देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने एक राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोला है और इसी ईओडब्ल्यू के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े किए हैं। राज्य सरकार को तो साथ में उन्होंने लपेटा है, लपेटा, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि फंडिंग जो हो रही है वो भ्रष्टाचार की, वो केंद्र सरकार को जा रही है, राज्य सरकार को जा रही है, और जब फंडिंग होना बंद हो जाती है तो फिर ये कार्रवाइयां होने लगती हैं और कहीं ना भ्रष्टाचार को बीजेपी सह दे रही है, ये कहना सीधे तौर पर संजय यादव कहना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति एक, अब चूंकि अगले साल चुनाव है तो कुछ इस तरह की राजनीति अब हम नेताओं को करते देखेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, तो कहीं ना कहीं उसी का ये है। हम देख रहे हैं कि अब चुनाव दिखने लगे हैं, माहौल बनाने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई, रणनीतियां बना ली गई हैं और अब बीजेपी को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की तैयारी है। जी जी बिल्कुल मनीष, क्योंकि जिस तरह से बयान में कहा गया कि एक गुना रुपए हैं ये जो जब्त किए गए हैं, उससे कई ज्यादा पकड़े गए होंगे, यानी कि सीधे तौर पर कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या इस बयान को लेकर किसी तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए अभी तक तो बीजेपी या किसी अन्य दल ने इस पर अभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से ये बयान दिया गया है इस पर अब राजनीति गरमाना लगभग तय है, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर की बात करें या भोपाल या पूरे प्रदेश की बीजेपी अब शांत इस मुद्दे को लेकर बैठेगी, क्योंकि काफी गंभीर आरोप है और एक तरह से आप शासकीय संस्थान पर भी आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मामला अब गर्माता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ईओडब्ल्यू की पारदर्शिता पर विधायक संजय यादव ने सवाल उठाए हैं, साथ ही उनका ये भी कहना है कि कार्रवाई का लाइव प्रसारण किया जाना चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके कि कितनी राशि पकड़ी गई है।